अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी 95 न्यूज़ HD और मैं हूं मियार सलान वहीम। नाज़रीन, आम खबर से आपको आगाह करेंगे खानेवाल से, जहां पर मौजूद हमारे रिपोर्टर मेयर आसफ नोनारी की रिपोर्ट के मुताबिक खबर शामिल करते हैं। खानेवाल से डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफिसर मोहम्मद अली वसीम ने कहा है कि थानों में कानून की यकसा नफाद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन तेज किया जाए, इंटरोगेशन और मुकदमात की इन्वेस्टिगेशन हर खास तवज्जो दें। क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए मुजरमान इश्तियारी और दीगर समाजी जराइम में मुलव्वस अनासर की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। कत्ल, डकैती, चोरी और राहजानी के मुकदमात को जदीद तफ्तीशी इतकादों के मुताबिक मेरिट पर यकसू करें, ताकि जराइम पेशा अनासर को नाकस तफ्तीशी या कमजोर शहादत का फायदा ना हो सके। इन ख्यालात का आधार उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ संगीन नवयत के मुकदमात के इश्तियारी मुलज़मान को गिरफ्त में लाने के लिए पुलिस की काविशों के बारे में मुदय्यान से फीडबैक लेने हुए किया। DPO ने कहा कि तमाम SDPO अपने अपने सर्कल के जरिए तफ्तीश मुकदमात की निगरानी करें। मुजरमान इश्तियारियों की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन भी तेज कर दिया जाए। अवाम से जराइम की रोकथाम से मुतल्लिक मालूमात हासिल करें और राबता में रहें। संगीन जराइम के मुकदमात की तफ्तीश में बेजा ताखीर और अवाम की सर्विस की फरहमी में किसी किस्म की रुकावट या सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्हें मुतल्लिक पुलिस अफसरान को संगीन नवयत केसेस की तफ्तीश जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने और दौरान तफ्तीश मदयान के साथ राबते में रहने की हिदायत जारी की। मुलजमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के अहकाम भी जारी किए गए। रिपोर्ट मैराथन नुनारी, नुमाइंदा 95 न्यूज़, खानेवाल।